31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्यौरा दिया जाएगा। ऐसे में इस साल के अभिभाषण में भी मोदी सरकार की भावी योजनाओं और उपलब्धियों का खाका दिखाई पड़ेगा। कहा जा रहा है कि इस बजट में सरकार किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। आम बजट से आम जनमानस को बहुत सारी उम्मीदें हैं। आइए सुनते हैं आम बजट से क्या हैं उनकी उम्मीदें, उनकी ही जुबानी। बजट से उम्मीद ये करते हैं हम सरकार से कि जो सरकार का सरकारी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है वो दिखाई देनी चाहिए। इनकम टैक्स के विषय में जो स्लैब इन्होंने बनाए हैं उसमें कुछ दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इनकम तो सबकी ही होती है लेकिन सरकारी कर्मचारियों की इनकम दिखाई देती है और उस पर टैक्स के रूप में सरकार को जमा होता है। दूसरा, एक जो मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें हैं पूरी जनता जनार्दन के लिए, उन मूलभूत आवश्यकता की चीज़ों पर सरकार को कुछ सब्सिडी के रूप में बजट रखना चाहिए। जैसे कि रसोई गैस है, रसोई गैस पर जब इन्होंने शुरुआत करी जब 400 रुपये का सिलेंडर था और 450 रुपये के सिलेंडर के साथ में सब्सिडी ये दिया करते थे, उसके बाद में इन्होंने घोषणा की कि 400 रुपये की ही रहेगी लेकिन जितना बढ़ेगा वो सब्सिडी के रूप में आपको वापस होगा। आज की स्थिति सार्वजनिक ये हो चुकी है कि सरकार का जो रवैया आम जनमानस के लिए भी बड़ा महंगाई भरा हो गया है, क्योंकि सिलेंडर पर जो सब्सिडी के नाम पर है वो 15 रुपये, 14 रुपये और 20 रुपये, सिलेंडर की कीमत 12 रुपये मिलता है और सिलेंडर की जो कीमत हो गई है वो 800-900 तक पहुँच गई। बजट से हमको ये उम्मीद है कि जो महंगाई बढ़ रही है, आम जनता जिससे परेशान है उसको राहत मिले, जो हमारी दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं जो महंगी हो रही हैं जिसको ज़्यादातर लोग यूज करते हैं उनको राहत मिले, जो एक क्लास श्रेणी के लोग हैं वो तो इनकम टैक्स और पे कर ही सकते हैं, उनके लिए सुविधा सब चीज़ है, मध्यम और निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए होना चाहिए। दूसरा, जो इनकम टैक्स पे ही लोग हैं उनका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ ही लोग तो इनकम टैक्स दे रहे हैं और दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो होता क्या जो पे कर रहा है उस पर और लोड बढ़ता ही जाता है। इसलिए क्या जो और भी लोग हैं उनका भी दायरा बढ़े, जिससे जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं उन पर थोड़ा कम वजन बढ़े, ये सबसे मेन चीज़ है। यही मैं उम्मीद करता हूँ। छूट की उम्मीद करते हैं आप सरकारी कर्मचारियों के नाते? सरकारी कर्मचारियों की जो 1.5 लाख की छूट है उसका दायरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो जरा सी देर में सारे फोर्थ क्लास कर्मचारी भी इनकम टैक्स में आ रहा है। वही मैंने आपसे कहा कि जो ढकेल लगा रहा है जिसके 1 लाख रुपये पैदा वो दिखाई नहीं दे रही किसी को, बस 50,000 रुपये जो कमा रहा है एक आदमी उसके इनकम गवर्नमेंट को दिखाई देती है, उस पर टैक्स लग जाता है और वो टैक्स जो है 1 लाख कमाने वाले पर ही दिया जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है इनकम टैक्स पर ही लोगों का दायरा बढ़ाया जाए, जिससे जो पे कर रहे हैं तो उनको थोड़ा हिस्सा बांट हो जाए और सब पर लग कम आए। मतलब ओवरऑल महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, जो आवश्यक चीज़ें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, खान पीने की वस्तुएँ हैं उन पर भी कंट्रोल करना चाहिए। और हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी होने के नाते हम ये भी कहेंगे कि टैक्स स्लैब में थोड़ा राहत मिलनी चाहिए और टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। जैसे लोग, बहुत से लोगों की आय नहीं दिखती है, वो ऐसी कोई गवर्नमेंट कोई प्रोसेस करे जिससे कि उनकी आय शो हो, जिससे कि उनकी संख्या बढ़े, जिससे टैक्स देने वालों की संख्या बढ़े। गवर्नमेंट को चाहिए आयकर के रूप में, जब तक आयकर नहीं मिलेगा तो विकास भी नहीं होगा देश का, विकास होना भी ज़रूरी है और आयकर से ही देश का विकास होता है, तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन जहाँ राहत की ज़रूरत है तो वहाँ राहत भी ज़रूरी है। इसलिए मध्यम वर्ग के लिए टैक्स स्लैब में छूट मिलनी चाहिए और लोअर वर्ग का है उसमें खान पीने में जो सामान है वस्तुएँ हैं उनमें। मुझे लगता है कि मोदी जी के कार्यकाल में ये 8वां बजट होगा। यदि हम 7ों बजटों को देखेंगे तो आपको लगा है कि जब से मोदी जी आए हैं बजट की प्रशंसा भूरी भूरी होती रही है। इस तरह का बजट वो लेकर के आते हैं कि आम जनमानस को राहत भी प्रदान हो और सरकार को भी लाभ उसका मिले, ताकि लोगों की सहायता वो कर सके। इस तरह का बजट दिया है और इस बार भी वो इसी तरह का बजट पेश करेंगे। उम्मीद क्या है? काहे की उम्मीद? बजट में क्या मैं कह तो रहा हूँ, बजट में जो भी होगा वो राष्ट्र हित में होगा, पब्लिक के हित में होगा, सीधा सा उत्तर है। उम्मीद ये है कि बजट से मध्यम वर्ग को काफ़ी आशा है कि अब तक मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिला है और मध्यम वर्ग काफ़ी परेशान है, बेगर 2 वर्षों से कोरोना के चक्कर में व्यापार काम धंधे सब डल हो गए हैं, इसलिए मध्यम वर्ग को सरकार द्वारा सुविधा दी जानी चाहिए
टैक्स की आयकर की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और उसको कोई कोरोना का पैकेज या कोई राहत दी जानी चाहिए। और व्यापारी वर्ग इससे बहुत परेशान है और व्यापारी वर्ग को काफ़ी आशा है इस बजट से कि चुनावी बजट भी है, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव भी होने वाले हैं, हो सकता है कि कुछ राहत सरकार इसमें दे। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को बजट पारित किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां अभी से की जा रही हैं। इसके साथ ही 31 जनवरी को बजट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी संसद में और 1 फरवरी को बजट लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया मार्च में बजट के तौर पर लागू की जाती है। नए नियम जो कानून लागू होते हैं वित्तीय वर्ष अप्रैल में शुरू हो जाते हैं, यानी वित्तीय वर्ष मार्च अप्रैल जिसे कहा जाता है। इसको लेकर के हमारे द्वारा कई लोगों से बातचीत की गई, जिनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे, इसके साथ साथ प्राइवेट नौकरी वाले भी शामिल थे। उनका कहना था कि टैक्स में उन्हें छूट मिलनी चाहिए तथा जिस तरह से पूर्व में कई सामान घरेलू फर्नीचर टीवी फ्रिज इत्यादि महंगे हुए, सीमेंट भी महंगा हो, उस पर छूट मिलनी चाहिए क्योंकि कोरोना काल में लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा है, यानी महंगाई की मार ने उनको काफ़ी परेशान किया है तथा आर्थिक मंदी से भी लोग गुजर रहे हैं, रोजगार की समस्या भी उनके सामने है। ऐसे में यदि बजट में कुछ रियायत मिलती है तो निश्चित तौर पर लोगों में खुशी जाहिर होगी, ये उम्मीद लोगों ने अपने लिए जताई है। न्यू न्यूज़ के लिए रवि यादव।